हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पूजास किचन। क्या आपकी साबूदाना खिचड़ी खिली खिली नहीं बन पाती है, हमेशा वह चिपचिपी हो जाती है? तो आज मैं आपके लिए खिली खिली साबूदाना खिचड़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम व्रत में खाया करते हैं और यह बनाने में बहुत ही आसान होती है। तो आइए देखिए मैं इसे कैसे बना रही हूँ। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ 1/2 kg साबूदाना लिया है। ये देखिए, हमने मीडियम साइज का साबूदाना लिया है। अब हम इसे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। साबूदाना में से स्टार्च निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी साबूदाना खिचड़ी एकदम खिली खिली बनेगी। कुछ इस तरह से इसे हमें वॉश करना है ताकि इसमें जो स्टार्च है वो निकल जाए। ये देखिए, व्हाइट कलर का सारा स्टार्च पानी में आ गया है। अब इसे हम निकाल कर फेंक देंगे। ये देखिए, हमने साबूदाना वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर सोक करेंगे। साबूदाना सोक करते समय आप हमेशा ध्यान रखिए कि पानी इतना ही हो कि बस उसमें साबूदाना हल्का सा डिप हो जाए। देखिए, मैं इस तरह से इसे चेक कर रही हूँ, हल्का सा हमारा पानी ऊपर है। और अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो हमारी साबूदाना खिचड़ी चिपचिपी बनेगी, खिली खिली नहीं बनेगी। अब हम इसे ओवरनाइट सोक कर लेंगे। यदि आप इसे दिन में बना रहे हैं तो इसको 4-5 hours सोक कर लें। ये देखिए, हमने साबूदाना को ओवरनाइट सोक कर लिया है और देखिए ये कितने खिले खिले हैं अभी भी। इसे मैं आपको थोड़ा चेक करके बताती हूँ। ये देखिए, साबूदाना हमारा दब रहा है, मतलब परफेक्टली ये सोक हो गया है। अब नेक्स्ट हम एक कढ़ाई में 250 ग्राम मूंगफली का दाना लेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। यह लगभग 2 cup मूंगफली का दाना है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए, मूंगफली हमारी भून गई है और इसके छिलके अलग दिखने लगे हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और कुछ इस तरह फैला लेंगे ताकि वह ठंडी हो जाए। ये देखिए, मूंगफली हमारी ठंडी हो गई है। अब हम हाथों की मदद से इसे मसलते हुए सारे छिलके निकाल लेंगे। आप इसे एक किचन टॉवल में लपेट कर मसलते हुए इसकी निकाल सकते हैं। ये देखिए, मूंगफली के हमने सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब इसे हम मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और एक दरदरा पाउडर रेडी करेंगे। इसे हमें लगातार चलाना नहीं है, कुछ रुकते रुकते चलाना है। अगर हम लगातार चलाएंगे तो यह तेल छोड़ देगा और एकदम गीला हो जाएगा। ये देखिए, हमने मूंगफली के दाने का दरदरा पाउडर रेडी कर लिया है। अब हम इसे हमारे सोक्ड साबूदाना में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच शक्कर डालेंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यदि व्रत में लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते हैं तो आप इसमें काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालिए। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, हमने सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इसके लिए बघार रेडी करेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई में 3 tablespoons ऑयल डालेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और उसे अच्छी तरह भून लेंगे। आप यहाँ पर घी भी यूज़ कर सकते हैं। जीरा हमारा भून गया है। अब इसके अंदर हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। हरी मिर्च हमारी भून गई है। अब इसके अंदर हम 2 उबले हुए आलू डालेंगे, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है।
और इसे कुछ देर फ्राई करेंगे। ये देखिए आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर हम साबूदाना डालेंगे। और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम हम हमारी बिल्कुल लो कर देंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगी और स्वाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और कुछ देर इसे ऐसे ही चलाते हुए हिलाएं ताकि यह खिली खिली बने। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब हम कवर हटा देंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप जब भी साबूदाना खिचड़ी बनाएं या तो स्टील की या लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। नॉन स्टिक की कढ़ाई में बनाने से हमारी साबूदाना खिचड़ी इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। ये देखिए हमारी साबूदाना खिचड़ी एकदम तैयार है और देखिए कितनी खिली खिली बनी है। अब इसमें हम एक नींबू का रस डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। साबूदाना खिचड़ी को आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इसे व्रत में ही खाइए। और लास्ट में इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और हमारी खिली खिली साबूदाना खिचड़ी बनकर तैयार है। अब इसे हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। लग रही है ना कितनी यम्मी एंड टेस्टी। और यह कितनी आसानी से बन गई। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।